हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इसके, और आप देख रहे हैं इनसाइड हिंद चैनल। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं फुलवारी शरीफ यूसुफपुर रोड का। तो चलिए चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। तो अभी हम गोलम्बर से अंदर आए हैं। ये थोड़ा अंदर आगे आने के बाद ही अभी पुरानी मस्जिद जो यूसुफपुर रोड पे है, फुलवारी शरीफ यूसुफपुर रोड पे, उसको जस्ट क्रॉस किए हैं अभी। ये पुरानी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी आबादी हो चुकी है यहाँ पे, और काफ़ी घनी आबादी हो गई है। आपको अगल बगल कुछ भी ऐसा खाली प्लॉट नहीं दिखेगा, ये पूरा यहाँ से काफ़ी आगे तक फुल हो चुका है। ये वीडियो हम काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बिजी थे कहीं पे और कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सके थे। तो अभी हम पहुँचे हैं रे चौक ईसोपुर रोड पे। रे चौक क्रॉस कर रहे हैं, जस्ट वहाँ से राइट लिया है अभी। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पे आबादी ख़त्म हो जाती है, और फिर वहाँ से खेत स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ तक आपको आबादी है, और इसके बाद हल्के हल्के आपको खेत स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट राइट दोनों साइड पे सेम है। ये काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने का मेरा वजह ये है कि हम थोड़ा अपना एक होटल खोला है, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, रेस्टोरेंट खोला है हमने, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गए थे उसको स्टार्ट करने में, तो इसलिए टाइम लग गया। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाया है। तो अभी आप देख सकते हैं इस जगह पे भी अपार्टमेंट सब आ गया है, और जगह जगह पे आपको अपार्टमेंट में हाथ लगा हुआ है। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कुछ अपार्टमेंट में हाथ लगा हुआ है, और कुछ का प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे अपार्टमेंट बनाने का। बट लेफ्ट साइड पे कुछ घर ऑलरेडी बना हुआ है और लोग उसमें रहते हैं। तो ये रोड, ये वीडियो हम आपको बनाने जा रहे हैं अप टू पटना बक्सर हाईवे रोड तक, जो इस रोड पे कनेक्ट हो रहा है। बट वो अभी तक अभी आपको कहीं भी दिखेगा नहीं वो रोड, क्योंकि अभी तक उस इस तरफ हाथ नहीं लगा है कुछ भी बनने में जो आपको ये रोड पर से दिख सके। तो आपको जस्ट बता सकते हैं कि कहाँ पे ये कनेक्ट होने वाला है या करके, उतना ही बता सकते हैं। बाकी उसका कोई भी नामो निशान नहीं है अभी तक। बाकी ज़मीन सब हायर हो चुकी है जैसा मुझे पता चला है, और उसका मार्किंग हो चुका है। मार्किंग मीन्स के पिलर हो चुका है, उसका पिलर डाल दिया गया है। और बस अभी आपको उतना ही दिखेगा। ये अभी हम पहुँचे हैं सन टेम्पल के पास, अभी सन टेम्पल को क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई आबादी नहीं है, बट जगह जगह पे कुछ जगह पे जैसे शॉप है या फिर छोटा कोई घर है इस तरह का बना हुआ है जगह जगह पे। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे घर बना हुआ है। आप दूर में जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, उस जगह पे कॉलेज है। कॉलेज का नाम तो याद नहीं आ रहा सही से, बट वहाँ पे कोई एक कॉलेज है वहाँ पे। ये जस्ट ये कॉलेज क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे जा करके वो रोड पटना बक्सर हाईवे उस तरफ से निकलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो फिर हम बनाएंगे किसी और जगह का। तब तक के लिए बाय बाय।